puspa 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 puspa. सो हेलो डिपार्टमेंट, तो इधर आज हम बनाने वाले हैं पुष्पा राज 2 का फेस मास्क। तो कैसा बनता है वो तो हम लास्ट में देखेंगे, बट जो बनाने का प्रोसेस है वो आप लोगों को बताऊंगा। एंड बहुत ही इजीएस्ट प्रोसेस है जो कि आप लोगों भी बना सकते हो। तो भाई सबसे पहले तो जरूरत पड़ेगा बहुत सारा न्यूज़पेपर की। यहाँ पर मैंने ले लिया है न्यूज़पेपर, एंड आप कोई भी पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड न्यूज़पेपर को आपको फाड़ना है जैसे मैं फाड़ रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैं स्केल का इस्तेमाल करके छोटा छोटा करके मैं फाड़ रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है हमारा न्यूज़पेपर हो चुका है, छोटे छोटे कुछ पार्ट में। एंड यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक मास्क, फेस मास्क, ठीक है, जो कि हमको होली का समय में मिल जाता है कोई भी दुकान में। एंड आप ऑनलाइन मार्केट में भी ले सकते हो, बहुत सस्ता है, मैं लिंक दे दूंगा। तो पेपर्स को मैंने पानी में भिगा के एक एक करके फेस मास्क के ऊपर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ग्लू का इस्तेमाल करूँगा बट बाद में, पहले तो आपको पानी में भिगा के ही देना है जो पहला लेयर होगा। तो यहाँ पर देखो मैं अभी ग्लू का इस्तेमाल करके जो दूसरा लेयर है वो अभी मैं दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से ही आपको भी करना है आप बना रहे हो तो। पर आपको दो तीन लेयर और भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा मजबूत बनेगा ये जो फेस मास्क है, ये बहुत मजबूत बनेगा। आप तीन चार लेयर ऐड कर सकते हो, एंड लेयर ऐड करने के बाद आपको धूप में सुखा देना है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग है वो मैं दे रहा हूँ, जैसे कि जो मुस्तैज वगैरह है उसको मैं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में कट करके बना रहा हूँ। यहाँ पर वियर्ड है वो भी थोड़ा थोड़ा मैं कैसे कर रहा हूँ वो आप देखते जाओ। पर जो पुष्पा 2 का जो फेस एंगल है ऊपर का साइज में थोड़ा बड़ा है, एंड नीचे का साइड वियर्ड वगैरह आप देख सकते हो। कुछ ही उस एंगल का मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर का जो पोर्शन है उसको मैं और पेपर को ऐड करके थोड़ा बहुत बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि हेयर वगैरह आए। जो सूख जाने के बाद ये बहुत हार्ड भी हो चुका है, यहाँ पर देखो बहुत हार्ड हो चुका है, ठीक है। पहला लेयर इस्तेमाल करने के लिए मैं व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर पहले तो रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं रेफरेंस फोटो देखा कि ऊपर साइड में रेड एंड नीचे का साइड में ब्लू, कुछ उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा इस फेस मास्क को पेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आईब्रोज में थोड़ा बहुत ग्रीनिश एंड येलोइश टाइप का कलर है तो वो भी मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। नीचे का पार्ट में ऑब्वियसली ब्लू है तो मैं यहाँ पर ब्लू का ही इस्तेमाल करूंगा। तो भाई लोग हेयर वगैरह को कलर करने के लिए मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ जो भी आई का टेक्सचर है, ठीक है। वहाँ पर असल में जो प्रोपोर्शन है ना, जो जजमेंट है ना, मतलब फेस का जो एंगल वही ठीक नहीं हुआ है यहाँ पर, नहीं तो पक्का और भी अच्छा होता। बाकी मैंने कोशिश किया है जितना बहुत कर सकता हूँ, बाकी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आप लोग देख लेना।
पुष्पा 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 राज पुष्पा 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 राज पुष्पा 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 राज पुष्पा 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 राज। तो गाइस यार ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड ये फेस मास्क वाला वीडियो आप लोगों को और भी चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दो। बाय बाय।